डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज है 22 अप्रैल 2019, और 22 अप्रैल 2019 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी इस वीडियो से आपकी 1% भी हेल्प हो रही है, तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पर आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैंने इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पे जाके आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एशियाई वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में भारत का नेतृत्व करेगा। तो ये कौन करेगा, ये करेगी मीराबाई चानू, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता है अभी हाल ही में चाइना में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित कर किया जाने वाला है, और इस ये कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा, चाइना के निग्बो शहर में। कौन सा, निग्बो शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ये देखिए, मैंने आप इनकी पिक्चर भी लगा रखी है, यही है मीराबाई चानू, और यही जो एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है उसमें भारत की ओर से नेतृत्व करेगी। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भारत के हज कोटे को बढ़ाया है। तो किस देश ने बढ़ाया है, ये बढ़ाया है सऊदी अरब ने, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्या है, हज कोटा, आपने तो सुना होगा हज यात्रा वगैरह भी आयोजित की जाती है, तो उसी को जो सऊदी अरब है उसी ने बढ़ाया है। अब बढ़ाया है तो कितने से बढ़ाया है, इसके पहले कितना था, इसके पहले 1,75,000 था ये हज कोटा, अब उसको बढ़ा के कितना किया है, 2,00,000 की है। अब ये किसने बढ़ा है, सऊदी अरब ने। तो मैं आपको सऊदी अरब के बारे में बताता हूँ, सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, वहाँ की करेंसी है रियाल, और यहाँ के जो किंग है वो है मोहम्मद बिन सलमान, या किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से। तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एशियाई चाय गठबंधन शुरू किया गया है। तो ये किस देश में शुरू किया गया एशियाई चाय गठबंधन, ये शुरू किया गया है चीन में, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म आई है, एशियाई चाय गठबंधन, ये वो चाय गठबंधन नहीं है जो अपन पीते हैं रोज सवेरे सवेरे, ये वो चाय गठबंधन नहीं, ये टोटल 5 देशों का एक समूह है। अब ये कौन कौन से देश है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, एक है अपना देश भारत, एक चाइना, इंडोनेशिया, जापान और श्रीलंका। कौन कौन से देश है, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान और श्रीलंका। अब ये कहाँ पे शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है चीन में। तो मैं आपको चीन के बारे में बताता हूँ, चीन की कैपिटल है बीजिंग, वहाँ की करेंसी है रेनमिनबिन, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है सी जिनपिंग। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में भारत ने कुंडलिंग मठ का निर्माण किया है। तो ये किस देश में निर्माण किया है कुंडलिंग मठ का, अपने देश भारत ने, ये किया है नेपाल में, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्या है कुंडलिंग मठ, जो हिंदू का जो बेसिकली बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय है, ये कुंडलिंग मठ कहाँ पे था, नेपाल में था। अब वो बहुत सा डैमेज हो गया, बहुत सा पड़झड़ गया था वो मठ, तो उसी को फिर से रिकवर करने के लिए, फिर से डेवलप करने के लिए भारत ने कुंडलिंग मठ का निर्माण कहाँ पे किया, ये किया है नेपाल में। अब यहाँ पे टर्म आई है नेपाल, तो मैं आपको नेपाल के बारे में बताता हूँ, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, वहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। और आप ये क्वेश्चन याद रखें, क्योंकि नेपाल अपना पड़ोसी देश है, और नेपाल में जो गतिविधियाँ होती है वो अपने किसी भी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर करके पूछी जाती है।
क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश पर FIH ने बैन लगाया है? तो ये किस देश पे लगाया है? ये लगाया है पाकिस्तान पे, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म आई है FIH, ये क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। अब इसने पाकिस्तान पे बैन क्यों लगाया है? क्योंकि पाकिस्तान ने जो FIH था उसके जो कम्युनिटी थी, जो गाइडलाइंस थे, उनको फॉलो नहीं किया था, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को इसने मानने से इनकार किया था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए FIH ने पाकिस्तान पे बैन लगाया है। अब यहाँ पे टर्म आई है FIH, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1924 में। अब यहाँ पे एक टर्म आई है पाकिस्तान, तो मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है इमरान खान, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है आरिफ अलवी। कौन है? डॉक्टर आरिफ अलवी। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के क्रिकेटर कोन डी लॉक का निधन हुआ है? तो ये किस देश के क्रिकेटर थे कोन डी लॉक, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ? ये थे स्कॉटलैंड के, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए मैंने आप इनकी पिक्चर भी लगा रखी है, यही है स्कॉटलैंड के जो क्रिकेटर कोन डी लॉन्ग, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। एक ऑलराउंडर थे और इनका 38 ईयर्स की आयु में इनका निधन हुआ। इनको ब्रेन ट्यूमर नाम की एक बीमारी हो गई थी। तो आप सीधी और सरल भाषा में सिर्फ इस क्वेश्चन से इतनी बातें याद रखें कि अभी हाल ही में स्कॉटलैंड के क्रिकेटर कोन डी लॉन्ग का अभी हाल ही में निधन हुआ है। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में खूनी वैशाखी कविता संग्रह का विमोचन किया गया है? तो ये किस देश में किया गया खूनी वैशाखी कविता संग्रह का विमोचन? ये किया गया UAE में, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्या है खूनी वैशाखी कविता संग्रह, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो खूनी वैशाखी कविता संग्रह, इसका संबंध किससे? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो पंजाब में अमृतसर है। वहाँ पे जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या किया था कि जो निर्दोष और निहत्ते लोग थे उन पे गोलीबारी चलाई थी। तो उसी को, उसी जो हत्याकांड है उसी के ऊपर एक कविता लिखी गई थी, और इसका अभी हाल ही में UAE में विमोचन किया गया। ये इंग्लिश में इसको पब्लिकेशन किया है, इसमें इसको रूपांतर किया गया है। और ये किसने की है? जो UAE में यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में जो भारत के जो राजदूत है, कौन है? नवदीप सिंह सूरी। कौन है? नवदीप सिंह सूरी। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी पिक्चर भी लगा रखी है, कुछ इस तरह दिखती है किताब। अब ये कहाँ पे हुआ? UAE में। तो मैं आपको UAE के बारे में बताता हूँ। UAE की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ की करेंसी है दीरम, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जयाद अल नहयान। कौन है? खलीफा बिन जयाद अल नहयान। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन T20 क्रिकेट में 8000 रन बनाने वाले दुनिया के 8वें बल्लेबाज बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दुनिया के 8वें बल्लेबाज, और अपने जो इंडिया है, इंडिया के तीसरे बल्लेबाज है। आप ध्यान से सुनिए मैं क्वेश्चन के बारे में क्या बोल रहा हूँ। ये पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के 8वें बल्लेबाज बने हैं, जो T20 क्रिकेट में इन्होंने 8000 रन बनाए हैं, और इंडिया के ये तीसरे बल्लेबाज है। अब इंडिया के तीसरे बल्लेबाज है, पहले और दूसरे स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे सुरेश रैना और दूसरे स्थान पे विराट कोहली। ये देखिए मैंने यहाँ पे रोहित शर्मा की पिक्चर भी लगा रखी है, यही है रोहित शर्मा। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने
एनआरआई के लिए एनआरआई इंस्टा ऑनलाइन खाता शुरू किया है। तो ये किस बैंक ने किया है? ये किया है आईडीबीआई बैंक ने। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने तो सुना होगा एनआरआई, कहते हैं ना एनआरआई लड़के, एनआरआई वगैरह, ये होते ऐसा होता है ना वो, तो उन्हीं के लिए एनआरआई इंस्टा ऑनलाइन खाता अभी हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने शुरू किया है। अब यहाँ पे एक टर्म आई है, आईडीबीआई बैंक। तो मैं आपको आईडीबीआई बैंक के बारे में बताता हूँ। आईडीबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो कौन है? राकेश शर्मा। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये किसने किया है रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में? ये किया है पीवी पाठक ने और एन काशीनाथ ने। यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अब ये कौन है? पीवी पाठक और एन काशीनाथ, ये दोनों 1980 बैच के रेलवे के जो स्टोर है, स्टोर सेवा के, ये दोनों अधिकारी है। क्लियर है आपको? अब यहाँ पे एक टर्म है रेलवे बोर्ड यानी इंडियन रेलवे। तो मैं आपको इंडियन रेलवे के बारे में बताता हूँ। प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री कौन है? वो है पीयूष गोयल। और हमारे जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वो है वी के यादव यानी विनोद कुमार यादव। इसके पहले कौन थे? अश्विनी लोहानी थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद कौन बने? वी के यादव यानी विनोद कुमार यादव। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासा की किस पहली महिला एस्ट्रोनॉट का निधन हुआ है? तो ये कौन सी महिला है? पहली महिला, नासा की पहली महिला एस्ट्रोनॉट जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जॉरी कॉब। यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे इनकी पिक्चर भी लगा रखी है, यही है जॉरी कॉब। और ये पहली महिला थी एस्ट्रोनॉट, जो नासा थी उसकी पहली महिला है। अब इनका 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। अमेरिका का जो फ्लोरिडा शहर है वहीं पे इनका निधन हुआ। बेसिकली हुआ क्या था, 1961 में एस्ट्रोनॉट पैसेंजर टेस्ट, क्या एस्ट्रोनॉट पैसेंजर स्टेट, वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट रैंक मिला था इनको। यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट पैसेंजर स्टेट टेस्ट थी वहाँ पे टोटल 13 इनके साथ और 13 लड़कियाँ भी थी, उन्होंने ये टेस्ट पास किया था। और इनको एक क्या नाम दिया गया था? इनको मरकरी 13। क्या नाम दिया था? मरकरी 13। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। अब ये कहाँ की पहली महिला एस्ट्रोनॉट थी? नासा की। तो मैं आपको नासा के बारे में बताता हूँ। नासा किसकी एजेंसी है? नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जिस तरह नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो आपको इंडिया की भी स्पेस एजेंसी के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया की स्पेस एजेंसी क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको नासा के बारे में बताता हूँ। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होती है फुल फॉर्म? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? जिम ब्रिडेनस्टीन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टीन। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को एग्जिम बैंक ने 267 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो ये किस देश को दिया है एग्जिम बैंक ने 267 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण? ये दिया है रवांडा को। यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये रवांडा को दिया है, लेकिन क्यों दिया है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास पैसा हो, लो भाई रख लो आप अपने पास, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई काम होगा, कोई ना कोई वर्क होगा, आउटपुट होगा, उसी के लिए एग्जिम बैंक ने पैसा दिया है। तो ये किसके लिए दिया है, यानी किस क्षेत्र में काम करने के लिए, किस प्रोजेक्ट के तहत दिया है? ये दिया है तीन प्रोजेक्ट के तहत। मैं आपको तीनों प्रोजेक्ट के नाम बताता हूँ। एक है एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, दूसरा है सोशल इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट, और थर्ड है रोड प्रोजेक्ट यानी जो रास्ते वगैरह बनाए जाते हैं ना वही। अब यहाँ पे एक टर्म है एग्जिम बैंक।
तो एक्सिम बैंक की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसके फुल फॉर्म क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है इसके फुल फॉर्म? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो बस यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो चलिए आज चलिए, अब मैंने कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था और कहा था कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताता हूँ। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक्सिम बैंक की पिक्चर भी लगा रखी है। कल का हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से नासा ने किस ग्रह के उपग्रह पर मीथेन की झीलें खोजी है? तो किस ग्रह के उपग्रह पर मीथेन की झीलें खोजी है? ये खोजी है शनि के। यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शनि ग्रह है उसका एक उपग्रह है, कौन सा? टाइटेन। टाइटेन उपग्रह पे जो 100 मीटर मीथेन की झीलें खोजी है, इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही था। सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। तो चलिए आज फिर मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आज का वो क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अपना पहला उपग्रह रावण 1 लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है बताइए। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन कल ही करवा रखा है। तो आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पर आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे कंप्लीट एग्जाम नाम सर्च कीजिए, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन जो भी डाउट आते हैं मेरे साथ डिस्कस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।